हाय फ्रेंड्स, आई एम चंद्रदास। आज हम लोग बात करेंगे कि एब्डोमेन के कितने रीजन हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर जब आप जान जाए कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन लोकेटेड है, तो आपको उसके डिजीज, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत ही ईजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एब्डोमेन के 9 रीजन के बारे में कि कौन कौन से होते हैं। आज हम ट्रिक के अनुसार आपको हम याद कराएंगे। सो प्लीज आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें और जल्द ही आप इस 9 रीजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नॉलेज आप लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने वाले हैं 9 रीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9 रीजन सबसे इस साइड में आते हैं। हम अपने एब्डोमेन रीजन के सबसे इस साइड राइट साइड के बारे में बात करेंगे। तो इस साइड के बारे में हम बात करना है, तो इस साइड में क्या देखें कि सबसे पहला जो नेम है वो क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो सबसे ऊपर में चेस्ट के जस्ट नीचे में जो इस रीजन है उसको क्या बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद जो बीच का रीजन है, जो स्टोमक के पार्ट, जो कमर के बीच वाला जो रीजन है देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट लंबर रीजन बोलते हैं। और जो लास्ट में जो सबसे नीचे होते हैं क्या है, इलिक, राइट इलिक रीजन होता है। इलिक मतलब इलियम, इलियम का जैसे रिलेट कर रहा है इंटेस्टाइन की पार्ट है। तो क्या हुआ, इलिक रीजन मतलब सबसे नीचे कमर के जस्ट जो पास वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट इलिक रीजन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग को सबसे पहले याद रखें जो राइट साइड में है तो सबसे ऊपर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद बीच वाले पार्ट को राइट लंबर रीजन बोलते हैं। और जो उसके नीचे के पार्ट, सबसे नीचे जो पार्ट है उस जस्ट कमर से हल्का सा ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट इलिक रीजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर में बीच के पोर्शन के बारे में। इस पोर्शन के बारे में बात करें कि कौन से क्या रीजन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। देखो फ्रेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रीजन किसे बोलते हैं, जहां पे पूरे फूड पार्टिकल्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, मतलब स्टोमेक के पार्ट को बोलते हैं। तो जो सबसे ऊपर स्टोमेक का जो ऊपरी वाला पार्ट पोर्शन का यहाँ आ रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर के पार्ट को बोलते हैं हम लोग एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। ऊपर के पार्ट को क्या बोलेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद जो बीच वाले पार्ट, बीच में क्या होती है, नाभि होती है। तो नाभि को हम लोग ऐसे भी इंग्लिश में अम्बिकल बोलते हैं। तो देखो, अम्बिकल के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक बोलेंगे, एपिगैस्ट्रिक हो गया। और जो अम्बिकल है उसको क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, अम्बिकल रीजन बोलते हैं। देखो, और उसके जो नीचे की पोर्शन है उसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। ऐसे में हम लोग जानते हो हाइपो और हाइपर किसे बोलते थे, हाइपो मतलब कम, तो मतलब जो नीचे की ओर है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो बोलते हैं। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब जो नीचे की पोर्शन है हाइपोगैस्ट्रिक, बीच के सबसे नीचे की पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया। अब जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो इस साइड में क्या था, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट की, तो मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर उसी तरह से बात करेंगे राइट लंबर रीजन, मतलब जो बीच का जो पोर्शन था सबसे साइड में राइट साइड वाले को, उसको क्या बोलते थे, राइट लंबर रीजन बोलते थे। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट लंबर रीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात किए थे नीचे में राइट इलिक रीजन, सबसे नीचे की पोर्शन में क्या था, इस साइड में राइट इलिक रीजन। तो इस साइड के पोर्शन को क्या बोलेंगे, लेफ्ट इलिक रीजन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 9 रीजन के बारे में बात किया। सिंपली सबसे पहले अपने आप में जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करिएगा तो ये रीजन नहीं आ जाएगा। सबसे सिंपली अपने आप को देखो, तो सबसे पहले आगे हम अपने एब्डोमेन के पार्ट्स में देख रहे हैं। तो सबसे पहले राइट साइड में गए, तो राइट साइड के में सबसे ऊपर की पार्ट्स को क्या बोलेंगे, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया। फिर जस्ट उसके नीचे में है उसको क्या बोलते हैं, तो राइट लंबर रीजन, मतलब ये जो बीच के पार्ट हुआ इसको क्या बोलेंगे, राइट लंबर रीजन बोलेंगे। और उसके सबसे नीचे की पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, राइट इलिक रीजन बोलेंगे। उसी तरह से बीच की पार्ट वालों को बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि नाभि को क्या बोलते हैं, अम्बिकल बोलते हैं, मतलब बीच के पार्ट को अम्बिकल रीजन बोले, उसके ऊपर वाले पार्ट को एपिगैस्ट्रिक और नीचे वाले पार्ट को हाइपोगैस्ट्रिक, ये हो गया। फिर उस जस्ट राइट के अपोजिट लेफ्ट कर देंगे, तो जब लेफ्ट यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 रीजन के बारे में हम लोग बात कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे क्या, Thank you.
राइट लेफ्ट लंबर रीजन। उसी तरह से इसका बात किए तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इस साइड में क्या राइट इलिक रीजन, तो इस साइड में हो जाएगा लेफ्ट इलिक रीजन। अब फ्रेंड्स बात करेंगे कि इन सभी रीजन में कौन कौन से ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, ये सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और जल्द ही याद करा देने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि एक एब्डोमेन पार्ट का एक रीजन का एक पिक बनाया हुआ है, जिसमें क्या देख रहे हैं कि लीवर है, स्टोमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो देखने से लग रहा है क्या लीवर आ रहा है, गॉल ब्लैडर आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी आ रहा है। तो क्या फ्रेंड जैसे कि मैं तो जो 3D डायग्राम नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन क्या यहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखो ये हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या दिखा, लीवर दिखा, गॉल ब्लैडर का देखो हाफ पार्ट है जो दिखा, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है और इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन इनर में होता है जो है। तो इस ऑर्गन में कौन कौन से मिला आपको, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना चीज आपको दिखा। अब हम बात करेंगे उसके जस्ट नीचे वाले को, तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते थे, ऊपर वाले को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसको बोलते थे राइट लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में कौन कौन से आ रहे हैं ऑर्गन जिसके बारे में गए, तो सबसे पहले बात किए असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम आए जो ऊपर की ओर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम बोलते हैं। तो ये आ गया मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो लीवर देख रहे हैं लीवर का भी हाफ पार्ट्स क्या है नीचे में आ रहा है, तो ये भी पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं जिसके बारे में बात किए। आप देख रहे हैं सबसे नीचे के बारे में जिसको हम क्या बोलते थे, इलिक रीजन बोलते थे। तो इलिक रीजन में कौन आ रहा है, सिकम आ रहा है और अपेंडिक्स आ रहा है। तो फ्रेंड्स राइट इलिक रीजन में कौन कौन आ गया, सिकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया जो राइट इलिक रीजन के बारे में, इसके सिवा नहीं कोई। हम लोग जाने कि अब कौन कौन जो राइट जो इलिक रीजन है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, सिकम आ रहे हैं और कौन आ रहे हैं, अपेंडिक्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीच वाले पोर्शन के बारे में जो हम बताए थे। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते थे, एपिगैस्ट्रिक ऊपर में है, तो ऊपर में कौन कौन से आ रहे हैं इसमें देखो, तो देखो स्टोमक का भी पार्ट आ रहा है, ड्यूडेनम आ रहा है, तो ड्यूडेनम हो गया। तो फिर इसमें पहले देखें क्यों कौन कौन से ऑर्गन है जिसके बारे में, तो लीवर है, लीवर भी आ रहा है। फिर बात किए स्टोमक, ये तो बात किए ही। फिर स्प्लीन, ये जो स्प्लीन जो देख रहे हो ये अंदर भी आते, तो हम उस पोर्शन के पिछले पार्ट को हम बना के नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या स्प्लीन आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं और पैनक्रियास आते हैं। ग्लैंड्स कैसे हैं, तो देखो जैसे कि ये क्या किडनी है, तो किडनी के ऊपर में क्या एड्रेनलिन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो ये इसके पीछे की पार्ट में आते हैं। जैसे कि इस साइड में क्या किडनी जस्ट इसके पीछे साइड में रहती है, तो हम लोग क्या, तो किडनी के पीछे ऊपर में क्या लगा हुआ, ग्लैंड लगा हुआ था। तो ग्लैंड किस रीजन में आते हैं, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आते हैं। अब बात करेंगे इसके बारे में इसको गैस्ट्रिक अम्बिकल रीजन के बारे में, जो नाभि के पास है उसको क्या बोलते थे, अम्बिकल रीजन बोलते थे। तो अम्बिकल रीजन में कौन कौन आएंगे जिसके बारे में हम बात करें, तो अम्बिकल रीजन में ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या आएंगे, तो ट्रांसवर्स कोलन आएंगे। देखो ये इस साइड में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या चीज आपको दिखाने के मतलब, जो लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलम है जो इसमें आता है। अब सबसे लास्ट की बात करते हैं, तो नीचे की ओर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन आएंगे जिसके बारे में, तो हाइपोगैस्ट्रिक में देखो सबसे नीचे में यहाँ पे क्या हो, ब्लडर होता है। तो ये क्या हो गया, पहला ब्लडर हो गया, दूसरा सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम इसी में आते हैं। फिर इंटेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट देख रहे हो, ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी में आते हैं। और क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब किस में आते हैं, हाइपो गैस्ट्रिक रीजन में आते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन आएंगे, तो स्टोमक आएंगे,
पैंक्रियाज आएंगे, यहाँ पे क्या होता है पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज आएंगे, लेफ्ट किडनी, इस साइड में कौन सा आ रहा था राइट किडनी आ रहा था, तो इस साइड में कौन सा आएगा लेफ्ट किडनी आएगा, तो लेफ्ट किडनी हो गया। और किडनी के और ये क्या है स्प्लीन है, तो स्प्लीन भी आएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आते हैं। फिर बात की है उसी तरह से किसके बारे में कि जो बीच की पार्ट है, बीच के पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, ऊपर वाले को बोलते थे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और बीच वाले के पार्ट को क्या बोलते थे राइट लंबर रीजन, तो इससे क्या हो गया लेफ्ट लंबर रीजन हो गया। तो लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन से डिसेंडिंग कॉलम, ये क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है ये हो गया डिसेंडिंग कॉलम, तो सबसे पहले हो गया डिसेंडिंग कॉलम स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया। फिर बात की लेफ्ट किडनी क्या हुआ, हम क्या बोले कि राइट में राइट साइड का किडनी तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड का किडनी, तो ये भी किडनी भी आएंगे। अब हम बात किए लास्ट में किसके बारे में, जो नीचे क्या है लेफ्ट इलिक रीजन के बारे में, तो इसमें क्या आएंगे सिग्मॉइड कॉलम, जो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन तो इस तरह से जो होते हैं, तो ये क्या हुआ सिग्मॉइड कॉलम हुआ, तो सिग्मॉइड कॉलम इसी पर इसी रीजन में आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स बात किए कि कौन से रीजन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब आपको फ्रेंड्स हम डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे दिखाते हैं, जो इस तरह से देखेगा ये हम रफ डायग्राम आए थे और जो रियल डायग्राम है आप यहाँ पे देख लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़।